नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलकंठ फिल्म, जहां हम आपको बताते हैं देवादिदेव महादेव के प्राचीन मंदिरों एवं रहस्यों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। भागलपुर से वासुकीनाथ जाने के रास्ते में बिहार झारखंड बॉर्डर के पास प्राकृतिक छटाओं के बीच पहाड़ों में स्थित है ममलेश्वर महादेव। दोस्तों, ना तो यहाँ कोई मंदिर है और ना ही कोई पुजारी। देवघर ज्योतिर्लिंग से लगभग 70 किलोमीटर दूर घने पहाड़ों के बीच स्थित है ममलेश्वर महादेव शिवलिंग। वेदों में प्राकृतिक शिवलिंग का पूजन करने का अपना ही एक अलग महत्व है एवं वहां किया हुआ रुद्राभिषेक कई गुना फल देता है। स्थानीय लोगों से पता करके जब हम पहाड़ों के बीच से होते हुए ममलेश्वर महादेव शिवलिंग तक पहुंचे तो हम भी हैरान हो गए। भगवान की आस्था पे तो पूर्ण रूप से भरोसा है, लेकिन ये नजारा देखने के बाद मानो ऐसा महसूस हुआ कि महादेव के साक्षात दर्शन हो गए। आसपास सिर्फ पहाड़ थे और जंगल के बीच पहाड़ों के चट्टान के नीचे साक्षात विराजते हैं विमलेश्वर महादेव। कुछ बातों को लेकर हम हैरान परेशान थे। जब हमने शिवलिंग को गौर से देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ नियमित रूप से पूजा होती है, कौन करता है ये नहीं पता। जब हमने शिवलिंग के ऊपर के नजारों को देखा तो मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि एक चट्टान इस तरह ऊपर पहाड़ में आकर गिरी हुई है और इस तरह से अटकी थी कि मानो शिवलिंग को छाया प्रदान कर रही है। एक और आश्चर्य की बात, हमें वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब बारिश होती है तो पत्थरों के बीच से पानी इस तरह रिसता है और सीधा शिवलिंग पे आता है जैसे शिवलिंग का जलाभिषेक करता हो। जब हमने वहां ड्रोन के माध्यम से पहाड़ के आसपास एवं ऊपर का फुटेज देखना चाहा तो ड्रोन भी थोड़े दूर जाने के बाद उसकी सिग्नल चली गई। अमूमन ऐसा होता नहीं है। कुछ बातें तो हमारे दिमाग में चल रही थी, उसमें से एक बात ये थी कि क्या इस शिवलिंग का कोई संबंध है समुद्र मंथन से, क्योंकि समुद्र मंथन में उपयोग होने वाला पहाड़ यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, जिसे हम मंदार के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या कोई ऋषि मुनि इन पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या में लीन रहते थे। पर हमें ये समझ में आया, ये सारी बातों का जवाब तो नहीं मिला और ये समझ में आया कि कुछ चीजें अनसुलझी रहे तो ही बेहतर है। परंतु यहाँ आकर एक बात तो महसूस हुई, वो थी यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम कोई बहुत ही ज्यादा पुण्यशाली भूमि पर खड़े हैं। यह शिवलिंग की स्थापना किसने की, कब की एवं ये कितने वर्ष प्राचीन है, इसकी किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं। अगर आप कभी इस रास्ते से गुजरे, एक कलश जल अवश्य इस पर चढ़ाएं और प्राकृतिक वातावरण में विराजित ममलेश्वर महादेव को हृदय से नमन अवश्य करें। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।